कहता था अपने हुकूक के लिए टन सब कुछ छुपा देगा, लेकिन अपने हुकूक के ऊपर आप डाका नहीं डालने देंगे। वक्त नहीं है सोंग बचाना होगा, गैरतमंद काम है हम ये सबको बताना होगा। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की इजाजत में, इमरान खान की 22 साल मेहनत में वो हमें अब तक दिखाया है कि जिसके ऊपर इमरान खान ने उठकर एक जिलाओं के सामने आवाज उठाई थी कि हाँ पाकिस्तान को आजाद हो चुका है, लेकिन आज तक पाकिस्तानी आवाम को वो आजादी आज तक नसीब नहीं हो सकी। पाकिस्तान की आवाम आज तक भी जागीरदार के नीचे है, पाकिस्तान की आवाम आज तक भी बदमाश के नीचे है, पाकिस्तान की आवाम आज भी 70 साल से के बाद भी किसी सियासत के नीचे है, पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम आज तक सरमायादार के नीचे है, पाकिस्तान की आवाम आज तक किसी बदमाश के नीचे है, पाकिस्तान तारीख अनुसार की सूरत में आज हमें वो नसीब हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कायदे पाकिस्तान है। ये जब आवाज उठाई कि आज ये वक्त है कि इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन बदमाशों से, इन डाकुओं से अब ये वक्त आ चुका कि पाकिस्तान के आवाम को अब हकीकी तौर पर आजादी दी जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो आजादी अब मिल चुकी है। और ये आजादी अब कश्मीर के वासियों, जनूबी पाक के बुजुर्ग नौजवानों अब ये वक्त आ चुका कि हम हटें निकले, अब हमारा जो हक है अब वो लुटाने का टाइम आ गया है, अब वो टाइम आ चुका कि आजाद कश्मीर के अंदर मैंने सुल्तान महमूद की क्यादत में अब यहाँ के चोर गुंडे बदमाश जो आज तक हमारा खून चूस रहे हैं, आज तक हमारे हकूक के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, अब ये वक्त आ चुका कि हम चोर